आज 4 नवंबर 2024 बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपनी खामियां निकालनी है, कमी कमजोरियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ, मतलब बाबा से ऑनेस्ट रहो, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तो बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे, जो ना हर एक को अपनी कमजोरियां और विशेषताओं का पता होना चाहिए। जो आपकी विशेषताएं हैं उसको सेवा में लगाओ, लगाते रहो वो बढ़ती जाएगी। जो आपकी कमियां हैं वो ऑनेस्टली बाबा को बता दो, बाबा ये कमी तो है। खुद को अपनी कमियों को पता होता है, कहाँ कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, बाबा को ऑनेस्टली बताओ, हाँ बाबा यह कमी है, ये गलती में से हो जाती है, बाबा ये गलती में से ना ला हो, बाबा फिर मैं बहुत अच्छा बन जाऊँगा। ये कमी बार बार रिपीटेडली वही कमी बार बार गलती करती है। दिल से बाबा को बताओ, ऑनेस्टली बताओ, कहाँ कहाँ कैसे होता है, बोल के बताओ, लिख के बताओ, फिर बाबा की मूल्य देना वैसी ही चलेगी उस कमी को ठीक करने के लिए। ये कमाल है बाबा की। प्रश्न है, बाप की करंट किस बच्चों को मिलती है? बाबा की करंट, सकाश, पावर किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, ऑनेस्टली बाबा को सब कुछ बता देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता, सकाश देता, और बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। दुनिया में किसी की कमी बताओगे उसको गुस्सा आएगा, बाबा को तरस पड़ता है, और खाली तरस नहीं आता और अंदर में आता, इस बच्चे का ये भूत निकल जाए, यानी ये विकार जो है इसका निकल जाए, इसलिए बाबा उन्हें करंट देता है, एक्स्ट्रा पावर देता है बाबा ऑनेस्ट बच्चों को। जो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, कम से कम 8 घंटा बाप से रू रिहान कर बड़ी ठंडाई से, बड़ी नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है, और सर्विस में सक्सेस होने के लिए, सफलता पाने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो, अंदर स्वच्छता चाहिए। दूसरा, अपने आप से बातें करनी है कि ये जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है, हम आत्माएं घर जाएंगे फिर आएंगे सुख धाम में। वरदान, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा निश्चिंत और सदा हर्षित भव। जो बिल्कुल निश्चिंत होगा वही हर्षित रह सकता है, जो चिंता होगी वो खुश रह नहीं सकता, चिंता रहेगी या खुशी रहेगी वो कैसे होगा? जिसको सहज विजय का अनुभव हो जाएगा, सहज विजय का अनुभव किसको होगा? अटल निश्चय द्वारा। दोबारा बोलता हूँ, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और सदा निश्चिंत हो। अब अटल निश्चय किस बात किस पे चाहिए? 4 चीज़ों पर अटल निश्चय चाहिए, तो आपकी विजय भी सब सहज हो जाएगी और आप सदा निश्चिंत भी रहोगे और सदा हर्षित भी रहोगे। तो निश्चय तो निश्चय विस्तार है, निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में
संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। क्या याद रहे बुद्धि में कि विजय की भावी टल ही नहीं सकती। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत सदा हर्षित रहते हैं। किसी भी बात में क्या क्यों नहीं लगाना, ये वेस्ट थॉट्स हैं, ये सारा टाइम खराब हो जाता है। तो क्या करें फिर, स्लोगन, टाइम को नष्ट करने की बजाय, समय को नष्ट करने की बजाय फौरन निर्णय कर, फैसला करो, करें ना करें, क्या करें, क्या क्या कहेंगे लोग, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। फटाफट क्या करो, निर्णय करो और फैसला करो, इधर रहो या इधर उधर रहो, ठीक है। बीच में ना लटको ना किसी को लटकाओ। ओम शांति।